का काजल लगा के जल्लाद की तरह बैठ जाएंगे, इसे मुंह दिखाई दे ना। पहला बार जब घर में आएगी ना अखिया बंद करके चलेगी, दुगानी पकड़ा के उसको चलेगा, और के बाद तू तीसर की अखिया खोल देगी। गूगला गूगल मोनो दूसरा कोई नहीं है गूगल के आगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी मजबूरी बन जाती है, वहां पर आपको वहां जाना ही पड़ेगा। सोचिए अगर गूगल कह दे कि जितने लोगों के पास जीमेल है सबसे हम 5-5 रुपया साल का लेंगे, करोड़ों बिना जीमेल मोबाइल में नहीं चलेगा आपका। एंड्रॉइड गूगल का है, एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। वो कह देगा जीमेल जब तक डालेंगे नहीं एंड्रॉइड लेवे नहीं करेगा। सबका कोई ना कोई जीमेल अकाउंट है कि नहीं? भले आप लोग यूज कब करते हैं, जब फॉर्म भरने जाते हैं तब। अभी आप लोग को जीमेल का कोई काम नहीं है, लेकिन जब भी आगे बढ़िएगा तो हर एक ऑफिशियल काम किस पर होगा? जीमेल। तो यूट्यूब कौन सी बोलता है? वो भी गूगल का है। यूट्यूब भी किसका है? गूगल का है। आपको पता है यूट्यूब किसी को 1 रुपया नहीं देता है, पैसा गूगल देता है। यूट्यूब 1 रुपया नहीं देता, यूट्यूब केवल वीडियो दिखा देता है। पैसा देने का काम कौन करता है? गूगल करता है। गूगल एडसेंस बोलते हैं उसको, गूगल एडसेंस। यूट्यूब पैसा नहीं देता, 1 रुपया नहीं देगा। गूगल कौन देता है? गूगल देता। दोनों अलग अलग कंपनी है, समझ में आ गया कि नहीं? आगे अगर किसी को प्रचार कराना है तो किसके पास जाता है? गूगल के पास। किसके पास? गूगल के पास। और गूगल वह प्रचार किसको किस में कोच देता है? यूट्यूब में कोच देता है। और उसी के बदले में क्या दे देता है? पैसा दे देता है। यूट्यूब का काम बस है कि भैया हमको क्या मतलब है, वीडियो दिखा देना। बाकी प्रचार को कलेक्ट कौन करता है? गूगल। और कोचता कौन है? गूगल। कभी कभी ज्यादा कोच देता है, समझ में आ गया कि ना? क्या 20-20 सेकंड का कोच देता है कभी कभी। हाँ तो उसके लिए तो प्रीमियम डाउनलोड कर लीजिए, उसमें प्रचार नहीं आता है, 150 रुपया महीना लेगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या वो हम लोग के बस में नहीं रहता, समझ में आ गया कि नहीं? वो गूगल के हाथ में। गूगल ने नियम लगा दिया। पहले क्या था कि हम चाहते थे तो प्रचार दे सकते थे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। अभी से जुड़ा गूगल ने मैंडेटरी कर दिया था, आपका मर्जी से नहीं चलेगा, आपका नहीं है यूट्यूब, वीडियो आपका है। सबका मोनोपोली है, जो कहेगा आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। रेलवे क्या है? मोनोपोली। जब मन तब से जुड़ा ट्रेन बंद कर देता, समझ आएगी ना? कभी ट्रेन का किराया क्या कर देगा? महंगा कर देगा। कभी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने का पैसा ले लेगा, अब कुछ दिन में देखने का टिकट लेगा, काई स्टेशन दिखा रहे, नहीं समझ में आ गया? दिखाउती टैक्स, मुंह दिखाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुंह दिखाई महिला सबको मिलता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दुल्हन सबको क्या मिलता है? मुंह दिखाई। अरे तू लोग को कोई मुंह कौन लग रहा था कि दुल्हा का मुंह दिखाई नहीं मिलता है? मोटका काजल लगा के जल्लाद की तरह बैठ जाएंगे, इसे मुंह दिखाई दे ना, देख ले रहा है वही बहुत है। लड़का का मुंह दिखाई मिलेगा, गोल लगाई अपना, ये सब भी जुगाड़ किया है सब। बढ़िया बात है भाई, कुछ ना कुछ होना। जहाँ हालांकि महिला सबको मुंह दिखाई ज्यादा मिलता है, नहीं देखेगा एकदम सीधा बनल ले गएगा, चुपचाप बैठ जाएगी ऐसा। सीधा बनती है ना, बाप रे बाप। पहला बार जब घर में आएगी ना अखिया बंद करके चलेगी, दुगानी पकड़ा के उसको चलेगा, और के बाद तू तीसर की अखिया खोल देगी। आप लोग को समझ में आ रहा है हम गलत बोल रहे हैं? ना गलत ना बोलते हैं, हमको कैसे मालूम, हम दुनिया ना देख ले। मतलब क्या समझ, जितना लोगों का बवाल होता है बेचारा ब्याह शादी वालों का, हमारे सर्किल में सब हम ही को कहता है सर। और एकदम हमको एकदम डर जाते हैं हम देख के, बाप रे बाप, ये सब का इसका कहाँ आगे बढ़ पाएगा सब, ये सब इसी में उलझा है सब। चलो अब यहाँ ध्यान देखो, मोनोपोली समझ में आ गया कि नहीं? कौन जी कहता है कान बाबा?